हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छवीस फैंटास्टिक वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो जो है वो एक हॉल वीडियो होने वाली है। मेरे पास बहुत सारा स्टफ जो है वो ऑलरेडी आके रखा हुआ था। मैं सोच रही थी कि मैं हॉल वीडियो बनाऊँ, बट आपको मेरी वॉइस से लग रहा होगा कि मेरी तबीयत इस टाइम एकदम सही नहीं चल रही है। और फेस पे भी देखिए, मैंने मेकअप अप्लाई किया है बट फेस इतना ज़्यादा डल डल लग रहा है। फीवर की वजह से एकदम बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कफ हो रखा है। इस वजह से मैं कॉन्टिन्यूसली वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, इसलिए इस बात के लिए बहुत बहुत सॉरी। तो मैंने सोचा कि आज कुछ मुझे अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जो भी है मेरे पास मैं आपको एक बार एटलीस्ट दिखा दूँ, क्योंकि अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आने में फिर भी 1 वीक का अभी टाइम है, तो ईजिली आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये हॉल वीडियो जो है वो मिंत्रा से होने वाला है, मिंत्रा हॉल वीडियो। आप सबको पता है मिंत्रा पे इस टाइम बहुत अच्छी वाली सेल चल रही है, तो वहीं से मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज़ द फर्स्ट कुर्ता सेट है आई थिंक, और ड्रेस है आई डोंट नो। चलिए पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं। ओके, तो दिस इज़ द टी शर्ट, ये मैंने अपने भाई के लिए मंगवाई हुई है। तो आपको मैं इस पर एक बार इसे ओपन करके दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द टी शर्ट, ये ब्लैक कलर के कुछ इस तरह के पैटर्न में है, आप देख सकते हैं। ब्रांड है इसका हियर एंड नाउ। प्राइस की बात करें तो 999 इसकी प्राइस है, मतलब 999 का है। बट मैंने इसको जो है वो वहाँ पे इस टाइम 70-80% ऑफ चल रहा है, तो मैंने उसको वहाँ से मुझे एक राखी भी मिली है, आप ये देख सकते हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो दिस इज़ द राखी, अच्छी है काफ़ी। तो ये है मेरा पहला पार्सल। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ चलते हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड, इसमें मैंने एक अपने लिए कुर्ता सेट ऑर्डर किया था। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ये एक अनारकली कुर्ता सेट है, कॉटन का फैब्रिक है इसका। तो दिस इज़ द कुर्ता सेट, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसका जो पैटर्न है आपको यहाँ पे देखिए, आपको ये गोटा पट्टी वर्क किया हुआ है, साथ में आपको थ्रेड वर्क भी देखने को मिलेगा। मैं अभी इसको पूरा ओपन करके भी आपको दिखाती हूँ एक बार। ये दिस इज़ द कुर्ता, ये मैंने मिंत्रा से लिया है। साइज़ मेरा इसमें एल है, और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 4999 इसकी प्राइस है, मतलब लगभग 5000 रुपये इसका प्राइस है। बट मैंने इसको 60% ऑफ पे लिया है। तो जो भी होगा आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। मेरा साइज़ इसमें एल है। इसमें आपको पूरा कंप्लीट सेट मिलता है। आपको यहाँ पे देखिए मुझे मिला है ये शरारा, ये कुछ इस तरह का है। नीचे इसका जो बॉटम है, हेमलाइन देखिए इसकी कितनी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी इसकी हेमलाइन है। नीचे में भी आपको इस तरह से गोटा पट्टी का वर्क देखने को मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। साथ में इसके आपको ये कॉटन का बेसिक सा दुपट्टा मिलेगा, और इसमें कुछ ज़्यादा किया हुआ नहीं है, नॉर्मल सा ही ये कॉटन का फैब्रिक का दुपट्टा है। बट आपको लास्ट में ऐसे इसमें लेस लगी मिलेगी गोटा पट्टी वाली। तो ये है इसका दुपट्टा एंड दिस इज़ द कुर्ता, ये कुछ इस तरह का कुर्ता है। दिस इज़ द कुर्ता, ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा पीस है। इसके एक दो कलर और भी थे वहाँ पे, तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेकआउट कर लीजिए। आगे के साइड में आपको इस तरह से डोरी की डिटेलिंग देखने को मिलेगी। स्लीव्स की बात करें तो 3/4 स्लीव्स है इसकी। स्लीव्स में भी आपको इस तरह का गोटा पट्टी का वर्क देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद आया। ये प्योर कॉटन का कुर्ता सेट है, जो रक्षाबंधन के हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये एक अगेन कुर्ता सेट है। इसको ये कुर्ता सेट जो मैंने मंगवाया है, ये कुर्ता सेट है हमारा नायरा कट कुर्ता सेट है। आप लोगों ने देखा होगा नायरा कट, क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये नायरा कट कुर्ता। दिस इज़ द कुर्ता एंड पैंट है इसमें। चलिए इसको पहले ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये रेयन फैब्रिक में कुर्ता है। इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है। पूरे में आपको फ्रंट एंड बैक बोथ साइड पे सेम प्रिंट देखने को मिलेगा, और साइड में आपको इस तरह से कुछ लेस की डिटेलिंग की हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है।
इसकी स्लिट जो है साइड स्लिट है, लेकिन इसकी स्लिट जो है काफ़ी ऊपर से है, जैसे नायरा कट कुर्तों में होती है। स्लीव्स की बात करें तो 3/4 स्लीव्स है, और स्लीव्स पे आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए लेस की डिटेलिंग की हुई है गोटा पट्टी की। नेक इसका जो है वो आगे से यहाँ पे देखिए एक हल्का सा कट है, और यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है। पीछे की बैक साइड पे इसकी जो नेक की लेंथ है वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी प्राइस की बात करें तो आई थिंक मैंने इसको 650 के अराउंड परचेस किया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी सुंदर सा कुर्ता सेट है, हेमलाइन भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। आपको हेमलाइन पे और यहाँ साइड में भी पूरे में आपको ऐसे गोटा पट्टी की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बात करते हैं इसके पैंट की, तो ये मुझे इस तरह का कुछ पैंट पैंट एंड प्लाजो बोल सकते हैं रिसीव हुआ। हेमलाइन इसकी थोड़ी सी है तो पैंट ही है ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका भी फैब्रिक जो है वो रेयन का ही है। तो और यहाँ पे आपको इलास्टिक देखने को मिलेगी, पॉकेट नहीं दिया है इसमें, तो ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि पॉकेट होता तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। मूविंग टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट, ये एक बहुत ही सुंदर सा कुर्ता सेट है, येलो एंड ये जो कलर आप देख रहे हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ब्लू कलर में है, ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो इसकी फैब्रिक की बात करें तो इसका फैब्रिक जो है वो रेयन फैब्रिक है। इसमें आपको कंप्लीट सेट मिलेगा, कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टा। तो ये कुछ इस तरह का कुर्ता है, वाओ कितना ज़्यादा सुंदर कुर्ता है ये। ये ब्रांड की बात करें तो गो श्रिंक की ब्रांड का है ये। प्राइस की बात करें तो 2599 इसकी प्राइस है, बट मैंने इसको भी ऑफर में लिया था। लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फैब्रिक जो है इसका बहुत ही अमेजिंग फैब्रिक है, कमाल का फैब्रिक है। इसमें मैंने अपना साइज एम ऑर्डर किया, आई डोंट नो मैंने एम क्यों मंगाया है, बट मुझे एल ही आता है। ट्राई करके देखते, नहीं होगा तो फिर रिटर्न कर देंगे। स्लीव्स की बात करें तो प्लेन सी स्लीव्स है, पूरे फ्रंट एंड बैक पूरे कुर्ते में आपको सेम प्रिंट देखने को मिल जाएगा। नेक पे इसके वी नेक के इस तरह से कुछ पैटर्न इसमें दिया हुआ है। स्लीव्स की बात करें तो 3/4 स्लीव्स है इसकी, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब हम इसके पैंट की बात करते हैं, तो पैंट इसका जो है ये ब्लू कलर का इसका पैंट है। फैब्रिक इसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऊपर आपको इलास्टिक देखने को मिल जाएगी। इसकी बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें पॉकेट भी मुझे मिला है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। लेंथ जो है वो जो पैंट की वो ठीक ठीक ही है, हेमलाइन इसकी थोड़ी सी दी हुई है, तो पैंट का पूरा पूरा लुक आएगा। दुपट्टा इसका पूरा जैसे कंप्लीट हमारा 2 मीटर का दुपट्टा, 2.5 मीटर का दुपट्टा होता है, उस तरह का दुपट्टा है। इसका भी फैब्रिक जो है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे तो ये पर्सनली कुर्ता सेट बहुत पसंद आया। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट, ये अगेन पर्पल कलर का कुर्ता सेट है, गोटा पट्टी का। मुझे गोटा पट्टी के कपड़े जो है वो बहुत पसंद आते हैं, चाहे वो साड़ियों में हो चाहे वो सूट में हो, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये है इसका, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम इसकी पैंट से स्टार्ट करते हैं। ये इसका पैंट है, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा पैंट है। फ्रंट एंड बैक बोथ साइड पे आपको सेम प्रिंट देखने को मिलेगा। इसमें भी आई थिंक इसमें पॉकेट नहीं दिया हुआ है, तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार। इसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो कम से कम एटलीस्ट इसमें पॉकेट तो उन्हें देना ही चाहिए था। हेमलाइन इसकी थोड़ी सी ही है, इस टाइप की कुछ हेमलाइन है, तो ये पैंट का ही लुक देगी, प्लाजो नहीं कहेंगे हम इसे। और यहाँ पे आपको इलास्टिक की डिटेलिंग देखने को मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। फैब्रिक भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कॉटन रेयन मिक्स फैब्रिक है इसका। इसके दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा इसका प्योर शिफॉन का दुपट्टा है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शिफॉन के दुपट्टे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सूट में एक अलग सा जान डाल देते हैं, तो ये इस तरह का है। और यहाँ पे आपको पूरे दुपट्टे में चारों तरफ आपको इस तरह की कुछ डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी, कुछ इस तरह का पैटर्न है, गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है। ये भी काफ़ी सुंदर कपड़ा है इसका। फैब्रिक इसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस कुर्ता सेट का। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्रॉक की, कि ये एक अनारकली कुर्ता है, आप ये देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का पैटर्न है इसका पूरा। आपको यहाँ पे पूरे ऊपर साइड में योग पार्ट में बहुत ही सुंदर से डिज़ाइनिंग की हुई है, कुछ डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे। फ्रंट एंड बैक बोथ साइड पे आपको सेम प्रिंट देखने को मिलेगा। स्लीव्स की बात करें तो 3/4 स्लीव्स है इसकी, और यहाँ पे आपको इसमें भी आपको गोटा पट्टी की डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी। नेक इसकी जो है वो
छोटी सी नेक है इसकी, राउंड नेक दिया हुआ है। लेंथ इस कुर्ते की काफ़ी अच्छी है। नीचे का जो फ्लेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, आप ये देख सकते हैं ये इतना ज़्यादा फ्लेयर है। और आपके नीचे के साइड में भी इस तरह का गोटा पट्टी का डिटेलिंग फ्रंट एंड बैक बोथ साइड पर देखने को मिलेगा। फैब्रिक इसका भी कॉटन रेयन मिक्स है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए राखी के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको चेकअप कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये एक अगेन बहुत ही सुंदर सा ब्लैक एंड रेड कलर का कुर्ता सेट है। सॉरी, फैब्रिक की बात करें तो इसका भी फैब्रिक जो है वो रेयन फैब्रिक है। ये भी आपको नायरा सूट देखने को मिलेगा, नायरा कट सूट है ये। इसकी स्लिट जो है वो काफ़ी ऊपर से दी हुई है, और फ्रंट एंड बैक बोथ साइड पे आपको सेम प्रिंट देखने को मिलेगा, तो आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऊपर के साइड में इस तरह का कुछ डिटेलिंग दिया हुआ है, आगे के साइड में योक पार्ट पे आप देख सकते हैं। स्लीव्स की बात करें तो इसकी भी 3/4 स्लीव्स हैं। फैब्रिक इसका जो है वो कॉटन रेयन फैब्रिक है इस कुर्ते का। पैंट की बात कर लेते हैं हम, तो ये आपको इस तरह का कुछ पैंट देखने को मिलेगा। इसमें भी साइड में पॉकेट उन्होंने नहीं दी हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये भी। और इसकी हेमलाइन में आपको नीचे के साइड में इस तरह का कुछ डिटेल देखने को मिलेगा, जो आई थिंक कपड़े का ही है। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हैं। लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ब्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं फॉलो किया है, तो मैं नीचे दोनों की आईडी मेंशन कर रही हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। और इन सारे कुर्ता सेट के आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन।